नहीं नहीं भाई, एक चम्मच से ज्यादा नहीं खाना, ठीक है? पूरे साल चलाना ये। कोई बात नहीं, नहीं खाओ। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you. Hey guys, good afternoon. तो जी अभी मैं जा रहा हूँ 22 में पुष्पा की दवाई देने। एक्चुअली इसका फ़ोन आया, इसकी ना तबीयत ख़राब होगी। और यहाँ पे उन्होंने देखो अभी 15 में कितना सुंदर पार्क है, देखो 15 का पार्क सुंदर सा, वाह मज़ा आ गया। अभी चलते हैं जल्दी से 22 सेक्टर। और मेरे बैग में पता क्या है, जो मैंने बिजनेस शुरू किया था ना उसका, ओ क्या पेड़ है यार देखो, वाह खूबसूरत है ना। ऐसी जगह में रहने के लिए घर मिले ना, मज़ा आ गया। 15 दिन और यहाँ पर एक एक कोठी ना 5-5 करोड़ की है। हमारी हैसियत से बहुत नहीं, हमारी हैसियत में भी आएगी कभी ना कभी, अगर किस्मत में होगी तो आएगी, क्यों? और किस्मत को हम बदलेंगे। तो फिलहाल चलते हैं जी, बकवास नहीं करते हैं, पहले पुष्पा को दवाई देते हैं। उसका जुकाम से ना बुरा हाल हो रखा, और जब जब उसको जुकाम होता है तो उसका बहुत ज़्यादा हालत होती है ख़राब। और ये है वाइज हॉस्टल, और इधर है बुज़ुर्गों का आश्रम सेक्टर 15। वाह देखो कितना सुंदर बना रखा ना, आप ऐसी जगह में रहने का फायदा है। और इस जैकेट का इतिहास मैं आपको बताऊँगा, मैं लेके नहीं आया लेकिन मेरे पास है। क्या है जैकेट की बात मैं आपको बताऊंगा बाद में, चलते हैं पहले 22। तो दोस्तों देखो जी, मैं पहुंच गया 22 की मार्केट में, और पुष्पा को मैंने दे दी दवाई। अब दवाई खा के आराम आएगा उसको, थोड़ा सा। और मैं अपना बिजनेस शुरू कर लेता हूँ। ये देखो 300 के दो। तो भाई ये है देखो 22 की सख्त शास्त्री मार्केट, और काफ़ी रश हो रखा है यहाँ पर। मैं सामान बेचने आ रखा हूँ, यहाँ को जाएँ यहाँ को जाएँ, थोड़ी शर्म भी लग रही है। देखो हाथ में बैठ के 300 के दो, और काफ़ी रश हो रखा है। तो दोस्तों घर पहुंच गया हूं, और आज ज़्यादा सेल नहीं हुई, 2 डब्बे सेल हुए बस। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, बस 2 डब्बे बिके वो भी बहुत है। और अभी मैं घर आ गया तो दृष्टि भी आ गई है, दृष्टि रखे हैं चावल, अभी चावल खाएंगे। लेकिन उससे पहले ना ये देखो, ये देखो ये मैंने नए जूते लगाए थे ना, ये ज़्यादा मैंने पहने नहीं अभी। और ये वाले जूते जो अभी पहन रखे हैं, ये देखो है ना, देख रहे ये वाले जूते इसमें खराब होने लगे। अब मैं ये वाले पहनूंगा ब्लैक जूते, इसके ना सिलाई लगवा देता हूँ। तो चलो चलते हैं, पहले ये देख आता हूँ। तो दोस्तों खाना हो गया शुरू, बाबू भी बैठ गई, मैं भी बैठ गया, और मैंने मिर्ची खा ली है, मेरा गले में लग गई मिर्ची। तो चलो जी फटाफट खाते हैं, गर्मा गर्म रखा है, मज़ा आ गया। और साथ में साग भी है, मिर्ची अचार सब कुछ ही रखा हुआ आज तो हम दोनों ने। चलो खाना खा लेते हैं, पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी पुष्पा की ना देखो, तब पुष्पा तो दवाई दवाई खा के ना सो गई है, सो नहीं गया मतलब लेटी हुई है ऐसे ही, और उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है पहले। हालांकि दवाई से बहुत फर्क पड़ा, जो दोपहर में दवाई दी थी ना वो अच्छा किया, जाके मैंने दवाई ले ली और इसको दे दी। तो 3 डोज खाई इसने पहले आधे आधे घंटे में, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ गया। लेकिन फिर भी तबीयत क्योंकि एकदम से ठीक तो होनी नहीं, तो अभी एक डोज और खा ली 8 बजे, तो बस। और मेरी ड्यूटी क्या, अपना काम है यार मुझे, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि भी वो करेगी ये नहीं, जब करना है तो करूँगी, खाना सबने खाना क्या जी। और ये देखो जी मैंने कर लिया तैयारी पूरी, ये मिक्स वेज बनाने के लिए ना थोड़े से मटर छिल लिए, एक गाजर पड़ी थी, ओ आलू गोभी, ये मिक्स वेज बना दूंगा कुकर में हल्की सी तरी बना के ना, ये कल के काम आ जाएगी। और अभी के लिए पता क्या, पुष्पा के लिए चाहिए थोड़ी सी एनर्जी, तो इसलिए एग करी बनाएंगे मज़ेदार, एक ही मसाला बनाऊंगा। देखो ये मसाला एक ही बनेगा, उसमें प्रेशर लग जाएगा, और कढ़ाई में बना दूंगा मैं अंडा करी, तो बस एक साथ 2 सब्जियां बनाएंगे, तैयार कर देंगे, और अपने को कोई टेंशन नहीं है, है ना। ये आपका भाई जो है ना, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी करना हो, बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, हम तैयार हैं। तो चलो फटाफट से बनाते हैं यार, मैंने एक तो बकवास बहुत करना है, जब करता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा करने लग जाता हूँ। तो चलो, और ये देखो धनिया तो पड़ा ही है, मेरी फेवरेट चीज़ है धनिया। तो दोस्तों अंडे होने वाले हैं, देखो जी उबल रहे हैं। और देखो सब्जी तो चलो अभी ऐसी है, मसाला मैंने दोनों का इकट्ठे बना लिया, और ये थोड़ा मसाला पक ही रहा था, बस दिखा देता हूँ आपको इसी शक्ल क्या है। और देखो कितनी सुंदर शक्ल आई है इसकी, कितना अच्छा बनाया, यानी कि देखो इसमें तेल जो सब अलग हो गया। अब देखो अब इसमें से करी के लिए मसाला, क्योंकि इसे मैं कद्दूकस करके बनाया, क्योंकि एक करी बनानी थी उसमें ना मसाला खड़ा खड़ा चल रहा है, मैंने इसको कद्दूकस करके टमाटर प्याज वो देखो सारा मसाला ऐसे डाला। अब इसमें से मसाला निकाल के ना मैं डाल दूंगा कुकर में, और बाकी इसी में रहने दूंगा, थोड़ा सा मसाला इस सब्जी के लिए रख दूंगा इसमें, हमारी सब्जी बन जाएगी डन। अंडे भी हो ही गए, बस इसको फिर इसमें रख दूंगा इंडक्शन में, तो इंडक्शन का ये भी एक फायदा होता है, देखो इंडक्शन का बहुत ज़्यादा फायदा होता है भाई, क्योंकि गैस का तो सब कुछ इंडक्शन, बिजली ना हो तो इंडक्शन के बेकार, और इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये ना चले तो ये सही, ये ना चले तो ये सही, काम नहीं रुकना चाहिए। और दोस्तों ये देखो जी इसमें मैंने पानी डाल दिया, और इतनी सी इसमें बस तरी बना लेंगे, और जैसे अंडे उबलेंगे ना तो उसमें अच्छे से सुंदर से कट लगा के इसमें डाल लेंगे, हमारी एग करी हो जाएगी तैयार। और ये देखो इसमें रख दिया मैंने मसाला सब्जी बनाने के लिए, जैसे ही खत्म होगा ना एक प्रोसेस खत्म होता दूसरा, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे जल्दी, नो प्रॉब्लम। और ये भी होने वाला ये ऐसे भी कितनी, और इसको हम अच्छे से उबाल दे देंगे, ताकि ये जो झाग झाग सा दिख रहा है ना ऊपर से फेस पे ये हट जाएगा,
और फिर हमारी कड़ी हो जाएगी तैयार और बहुत अच्छी बनी कड़ी, कड़ी भी कड़ी। और धनिया तो ऐसी जो देख मैंने आधे से ज़्यादा तो इसमें डाल दिया और थोड़ा सा रख लिया, वैसे धनिया कम है थोड़ा सा और लगता है, धनिया तो मस्त है। और दोस्तों अभी देखो पुष्पा को थोड़ा सा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये देखो गुड़ वाला च्यवनप्राश लेके आया हूँ। एंड ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये हम जो खा रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ कि ये सर्दियों में वैसे भी हम खाते हैं, तो इस बार मैं गुड़ वाला लेके आया हूँ पुष्पा। और पुष्पा देखो काम करने लगी है, अंडे छिल रही है। वाह पुष्पा थैंक यू वेरी मच, मैं कर लूँगा, तुम ये खाओ सारा खा लियो सेहत बन जाएगी। नहीं नहीं एक चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है, पूरे साल चलाना ये। कोई बात नहीं, मैं ही खाऊंगी फिर साल चलाना, तो साल चलाना तो मैं ही खाऊंगी। नहीं पुष्पा हम भी पिछवा के रहना पड़ेगा, हम भी तो खाएंगे, हम तो खाएंगे, इन लोग का साल चलाना। चलो अब करते हैं करी, करी 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 बनाते हैं, एग करी, एग करी। और दोस्तों ये देखो जी हमारी एग करी हो गई रेडी, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे बाद में, लेकिन पहले इसको मैं थोड़ा सा तरी तरी से भिगा देता हूँ अच्छे से इसमें, ताकि तरी घुस जाए अंदर पूरा। वाह देख रहे हो कितना टेस्टी बना है, बताओ कितना टेस्टी बना है। वाह वाह चलो अच्छे से हो गया, अब बाबू बनाएगी रोटी, अब इसके बाद हम खाएंगे। और दोस्तों खाना वाना खा लिया भाई, मुझे तो आज ना बहुत मजा आया, पता नहीं शायद मैंने पता नहीं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए पुष्पा की राय ले लेते हैं। पुष्पा हाउ यू लाइक दी एग करी, अंडा करी कैसी थी? अच्छी, ये बीमार है ना एक्चुअली, इसलिए अच्छे से जवाब नहीं दे रही। दृष्टि आ रहा, हाउ यू लाइक दी, हाउ इज दी जोश? इसको भी कुछ नहीं, इसका भी क्या हो गया, ये भी जवाब नहीं, क्या मेरा बाबू जवाब क्यों नहीं दे रहा। चलो जी ये देखो मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, साथ साथ कर रहा था तो फिर खाना खाने का टाइम हो गया, फिर खाना खा लिया टाइम से, अब इसको देखो वो लम्बा लेट हो गई। चलो घायल फिल्म आ रही है सनी देओल के साथ साथ, एडिटिंग के साथ साथ उसके डायलॉग भी सुन रहा हूँ, मजा आ गया। और अभी आवाज़ म्यूट कर रखे ताकि कॉपीराइट ना जाए ना, तो चलो करता हूँ शोरी इसको भी। अभी तो च्यवनप्राश भी खाना है, ताकत पुष्पा अभी च्यवनप्राश खाना है, अभी सोइए मत। अच्छा दूध भी पीना है अभी, हाँ दूध भी पिएगी और च्यवनप्राश भी खाएगी, और क्या खाना है, दवाई भी खानी है, अच्छा दवाई भी खानी है। तो चलो करता हूँ जी एडिटिंग यार, फिर। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है जी 12:13 और मैं कर रहा हूँ एडिटिंग। पुष्पा अभी थोड़ा सा आराम कर रही है, अभी दवाई खानी है उसने भी, और तो प्रज्वल अभी आया नहीं, इतनी रात होगी देख लो अभी तक यार। तो बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक प्यार से कमेंट कर देना। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय। दोस्तों मैं आया हूँ 15 की मार्केट में, पहले आप नज़ारे देख लो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों ये देखो जी पुष्पा ने सब्जी बना रखी थी, और ये भी सब्जी